हमारे देश में हम नाम रखते हैं अपने धर्म या जाति से, पर उसके पास इनमें से कुछ नहीं था। अगर कुछ था तो बस यही एक देश, इंडिया। तो उसने अपने देश को ही अपना धर्म मान लिया और देश की रक्षा को ही अपना कर्म। दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं बॉलीवुड के बादशाह खान शाहरुख खान की मूवी पठान के टोटल व्यूज काउंट के बारे में। हाँ दोस्तों, टोटल व्यूज काउंट के बारे में। हाँ दोस्तों, बता दे दोस्तों कि किंग खान की पठान मूवी की अनाउंसमेंट वीडियो इस तरीके से चल रही है। लाइक्स, लाइक की तो बात मत करो भाई, लाइक्स मतलब दिल खोल के आए फैंस और कहें अलग अदर्स जो कि फैंस नहीं है वो भी पब्लिक इन्हें लाइक कर रही है ये मूवी की ट्रेलर अनाउंसमेंट वीडियो को। और व्यूज़ यूट्यूब पर व्यूज़ बहुत सी आती है, लेकिन इनकी व्यूज जो आ रही है इंस्टाग्राम पे बवाल है भाई, बवाल है। बताए दोस्तों कि सिर्फ SRK की ट्विटर इंस्टाग्राम आईडी से अकाउंट से इंस्टाग्राम अकाउंट से वो 1 करोड़ व्यूज आ चुकी है सिर्फ इंस्टाग्राम से। किंग खान की 28 मिलियन फॉलोअर्स में 11 मिलियन व्यूज आ चुकी है। ये काबिले तारीफ है भाई, कोई कोई का 60 मिलियन फॉलोअर्स है फिर भी 1-2 मिलियन व्यूज आती है, और इनके 28 मिलियन फॉलोअर्स में 1 और 10 मिलियन व्यूज, और अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं। तो दोस्तों बता दें आप सभी को कि टोटल अगर काउंट करें, दीपिका पाडुकोण ने अलग से पोस्ट की थी ये, और जॉन अब्राहम और यशराज फिल्म्स ट्विटर पे कन्वर्ट करके पोस्ट की थी, और फिर से टोटल जितने पॉपुलर्स मतलब जॉन अब्राहम, शाहरुख खान और यशराज फिल्म्स, यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर, इन सभी जगह के व्यूज काउंट को अगर लोग मिलाए तो टोटल 30 मिलियन व्यूज होती है। हाँ दोस्तों, 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ लोग ये मूवी की अनाउंसमेंट वीडियो को देख चुके हैं, और लाइक भी काफ़ी सारी है और काफ़ी स्पीड में लाइक इस मूवी की अनाउंसमेंट वीडियो को मिल रही है। तो आपको क्या लगता है, आपका इस रिकॉर्ड के बारे में क्या कहना है कि अनाउंसमेंट वीडियो जब 3 करोड़ लोग सिर्फ 2 दिनों में देख चुकी है, तो अभी तो भाई पूरा साल बाकी है, मतलब 10 महीना बाकी है। अभी टीजर का क्या होगा सोचो, जब टीजर आएगी लोग उड़ते रहना KGF, अबे रुको पठान आ रहा है, टीजर जब उसका आएगा ना तब बताना कि कौन पाप है, कौन किंग है। तब तक के लिए बाय चांस, और सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना।